ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग? आप लोगों की डेट शीट्स आ गई हैं, ठीक है। और एक जो डाउट है वो बहुत ज़्यादा है अभी बच्चों को कि मैम हम लोगों की जो डेट शीट्स अभी आई हैं वो किन स्टूडेंट्स की है। तो बच्चा आप सब लोगों की डेट शीट सेम रहने वाली है, इट विल बी सेम फॉर ऑल ऑफ यू। आइदर यू आर फ्रॉम CTP कैटेगरी, ओपन बोर्ड कैटेगरी और रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। सो DMC विल बी ऑल फॉर सेम। और इसके अलावा में अब जो है कुल मिलाकर आपके पास अप्रॉक्सीमेट 1 month और कुछ डेज बचे हैं फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। तो अब जो है टाइम आ गया है पढ़ने का, ठीक है। अब के टाइम पर आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ना ही है। डोंट स्किप, डोंट इग्नोर द टाइम, क्योंकि यही वो टाइम है जो आप लोगों की कुछ टाइम बाद जो DMC आएगी उसके ऊपर दिखेगा, नजर आएगा। ऑफ कोर्स तुम्हारे DMC के ऊपर कंपार्टमेंट आती है, फेल होते हो, पास होते हो, अच्छे मार्क्स से पास होते हो, बेकार मार्क्स से फेल होते हो, तो ऑल द थिंग्स विल बी शो इन योर DMCs, ठीक है। तो पढ़ने का टाइम है, 30 days जो है अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं, एक महीना सिर्फ आप लोगों के पास है, क्योंकि 27th February से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और आज 5 जनवरी है, ठीक है। अगर 5 से हम लोग 5 जनवरी के बाद अगर ये वाला हम लगा के चलें, चलो एक महीना ये वाला हो गया, 5 फरवरी तक एक महीना हुआ, उसके बाद के जो बीच में आपके प्री बोर्ड्स वगैरह भी चलेंगे, राइट। अभी आप लोगों के 2 बार प्री बोर्ड होने हैं, तो एक बार तो हो गए, अभी मुझे नहीं पता दूसरी बार होने हैं नहीं होने हैं। तो हम लोग अगर देखो पूरे 2 महीने भी नहीं कह सकते, पूरे 1.5 महीने भी, तो बीच में प्री बोर्ड्स वगैरह रहेंगे, तो वहां पर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हम 1 महीना 1.5 महीना लगा के चलते हैं, मतलब 30-40 days आप लोगों के पास हैं, 40 दिन बाद मान के चलो कि आप लोगों के एग्जाम्स हो जाएंगे, ठीक है। 27th February सबके एग्जाम है, तो आधा दिन तो इसमें से आप वेस्ट भी करने वाले हो, आधा टाइम आप ऐसे हैं जो आप लोग इग्नोर लिस्ट में डाल दोगे कि हाँ भाई अभी हम लोगों को पढ़ना नहीं है, अभी थोड़ा सा हमें चिल करना है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना है, घूमना है, फिरना है ना, ऐसी चीज़ें भी ज़्यादा करोगे आप लोग। तो एक महीना है, इतना मान के चलो कि एक महीने में तो आपको पढ़ना ही है। 40-50 days अराउंड आपके पास हैं फॉर योर एग्जाम्स, बीच में प्री बोर्ड्स भी रहेंगे, दूसरी बार जो प्री बोर्ड होने हैं वो जनवरी में रहेंगे, तो अभी आप लोगों के प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, तो आप लोग उसमें फोकस करोगे। तो कुल मिला के अब आप लोगों को पढ़ना कैसे है, ठीक है, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है बेटा, बहुत ही प्रीशियस टाइम है ये, एंड डोंट वेस्ट इट, ट्राई टू डू फोकस ऑन योर स्टडी। और बाकी जितनी चीज़ें हैं ना सबको इग्नोर लिस्ट में डाल दो, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त इंग्लिश हिंदी, आपके कजन्स, आपके एंटरटेनमेंट जोन्स, आपके मोबाइल्स, आपके सोशल साइंस, इंस्टाग्राम रील्स और आपके रिलेशनशिप्स, है ना, सब लोग इन चीज़ों में तो रहते ही हो, इन चीज़ों को अभी इग्नोर लिस्ट में डाल देना, क्योंकि दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट कि अभी आप पढ़ाई पर फोकस करो, बिकॉज पढ़ाई कर लोगे तो आपके मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। जो चीज़ें छोड़ रहे हो ना वो तो आपके पास रहेंगी ही, बट अगर अभी पढ़ाई नहीं करोगे सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फेस दिस आफ्टर 3 or 4 months, क्योंकि तब रिजल्ट आएगा, एंड एट दैट टाइम आप लोग जो है वो गिल्ट में एकदम पागल हो जाओगे कि यार उस टाइम पर पढ़ाई क्यों नहीं की। वो टाइम जब इमेजिन करोगे ना ऑटोमेटिकली पढ़ने का मन करेगा। अभी आपके देखो मुझे नहीं पता कौन कहाँ कहाँ बिजी है, और अभी जनरेशन इतनी एडवांस हो गई है भाई, अभी तो हम लोग अभी से ही फ्रेंडशिप्स के चक्करों में पड़े हुए हैं, अभी से ही हम लोग घूमने फिरने के चक्करों में पड़े हैं, अभी से ही हम सोशल साइट्स और यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं, हम उनमें लगे हुए हैं। तो सब चीज़ों को थोड़ा सा पूर्ण विराम दे दो, ठीक है, सब चीज़ों को थोड़ा सा स्टॉपेज दो और सिर्फ स्टडी पर फोकस करो, ओके। टाइम अभी भी इनफ है, अगर आप लोग तरीके से पढ़ाई करते हैं तो सब कुछ हो जाएगा, अगर आप लोग तरीके से स्टडी पर फोकस करते हैं ऑल थिंग्स विल बी गो इन बेस्ट वे, बट ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को करते हैं, बिकॉज सारी चीज़ें बाद में नॉर्मल हो जाएंगी बट रिजल्ट आपका नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को करने का थोड़ा सा ट्राई करो। 11th वालों के एग्जाम्स का टाइम भी, आप लोगों की डेट शीट्स भी आ गई हैं, तो उन लोगों के टाइम ही आप लोगों के पेपर भी रहने हैं, और 11th वाले भी थोड़ा सा इस चीज़ में रहें कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं आती है ना तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू टेक एडमिशन इन 12th class, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, ठीक है। 10th class वालों को मैं बोलूँगी, चाहे आप CTP कैटेगरी से हो, चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, चाहे आप रेगुलर कैटेगरी से हो, आप लोगों को ट्राई टू डू मोर एंड मोर सॉल्विंग ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर्स, टेक और बाय दीपक गैस पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर और एजुकार्ड, कोई भी आप मॉडल टेस्ट पेपर ले सकते हैं, सिलेबस विल बी सेम फॉर ऑल ऑफ यू। CTP, ओपन, रेगुलर, सबके लिए सिलेबस, पैटर्न, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम, सब कुछ जो है इट विल बी सेम फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड सेकेंड थिंग कि कैसे पढ़ना है, जो चीज़ों में आप वीक हो उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो, जो चीज़ें आपको
आपको नहीं आ रही हैं उनमें थोड़ा सा ट्राई करो करने का। और एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी कि मैं नाइट में लाइव क्लास सोच रही हूँ ट्राई करने का। सो इफ़ यू वॉन्ट टू डू स्टडी विद मी, क्योंकि एक हम लोगों का माइंड एक ट्रैक पे रहता है कि हाँ हमारी मैम हमारे साथ है और हमें पढ़ना ही है। आप डीमोटिवेट नहीं होगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आप एक जगह पर आपका फोकस रहेगा अगर आप पढ़ोगे। तो हम लाइव वीडियोस में भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब लाइव स्टडी कर सकते हैं, जो जो आएगा अपनी प्रेजेंस लगाएगा कि आप लोग कौन कौन आया है, अटेंडेंस लगानी है और पढ़ना है। तो इसके लिए भी मुझे आप बताइएगा। मैंने वैसे कम्युनिटी टैब में डाला था, बट मैंने अभी तक जो आई डिडंट सी द कम्युनिटी टैब ऑफ माई चैनल, जिसके अंदर मुझे वोटिंग पता लगेगी कि यू डू यू वॉन्ट और नॉट, तो वो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि डू यू वॉन्ट अ लाइव स्टडी विद मी, ठीक है। तो हम नाइट में स्टार्ट करेंगे और टाइमिंग क्या रहेगी, नाइट टाइमिंग कौन सी प्रेफर करते हो आप लोग, सो ऑल्सो डू कमेंट दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है। तो 40 दिन कुल मिला के चलेंगे, 40 दिन हमारे पास हैं और 40 दिन में हमें क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट में हम वीक हैं उनको और अच्छे से करना है, ठीक है। टेंथ वाले जो हैं सबका सिलेबस सेम है, तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए आप, ओके। टेक द हेल्प फ्रॉम यूट्यूब और इंटरनेट और योर बुक्स और योर फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स और मी, ठीक है। मुझसे भी आप हेल्प ले सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज अवेलेबल हैं, सो यू कैन सी द वीडियोज एंड टेक द हेल्प फ्रॉम दोज वीडियोज, ठीक है। अब बात आती है ट्वेल्थ सेक्शन वाली, तो ट्वेल्थ के अंदर भी आप लोग प्रैक्टिस टेस्ट पेपर से हेल्प लीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, ट्राई करिए टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन पेपर इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। उसी टाइम पीरियड में आपको सॉल्व करना है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोगों को एक चीज़, जैसे आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स वालों के पास थ्योरिकल सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे, तो आप थ्योरिकल पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। और आप लोगों के पास जिसको बोलते हैं जो वो वाले कॉमर्स वाले हैं, उनको थोड़ा सा अकाउंट्स पर ध्यान देना है, स्टैटिस्टिक्स पर ध्यान देना है, और इसमें रेप जो है वो ज़्यादा आती है बच्चों की। मैथमेटिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें रेपियर बहुत ज़्यादा आती है, उनके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। बहुत से CTP वाले स्टूडेंट पेपर दे रहे होंगे, तो यू कैन आस्क फ्रॉम देम ऑल्सो कि कितने ज़्यादा कंपार्टमेंट फेस करनी पड़ती है बच्चों को। और उसके अलावा में जो नॉन मेडिकल और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, ट्राई टू लर्न फार्मूलाज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ट्राई टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है इट विल हेल्प You gain marks more and more, तो उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। सेम फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में भी प्रैक्टिकल्स आते हैं, तो आप अगर चाहें इफ यू वॉन्ट सो कैन सॉल्व द प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स, जहां पर वेयर यू विल सी द न्यूमेरिकल स्टाइल, ओके, और आप थ्योरी स्टाइल की, आप थ्योरी किस टाइप की आएगी वो चीज भी आप देखेंगे वहां पर, ओके बच्चा। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है और कोशिश करनी है, ज्यादा अब टाइम नहीं बचा है। सबके पेपर्स सेम टाइम पर रहेंगे, ओपन वालों के भी सेम डेट पे हैं, जैसे मैथ्स का पेपर जैसे 27th को, 10th वालों का जो पेपर होगा, CTP वालों का भी उसी टाइम पेपर है, ओपन वालों का भी उसी टाइम पेपर है। सो डोंट बी कंफ्यूज कि मैम हमारी डेट शीट अलग से आनी है, CTP वालों की अलग से आनी है, डेट शीट विल बी सेम फॉर ऑल ऑफ यू, सो डोंट बी कंफ्यूज, ओके ओके। एंड वन मोर थिंग कि मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट कर ही दिए हैं, मैथ्स का पेपर अभी करवाया था 10th वालों का, सेम फॉर 11th एंड 12th भी मैं करवाऊंगी आप लोगों को। मैं आप लोगों को आंसर्स ना बताने से अच्छा है, वो तो आप कहीं से भी देख सकते हो, मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊंगी कि हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन पेपर इजीली, हाउ यू कैन सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन योर ओन वे, ठीक है, वो चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, डेट शीट आ गई है बच्चा, पढ़ने पर ध्यान दे लो, जितना हो सकता है पढ़ो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने आप को फोकस रखना है। और कभी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं आप लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दूंगी, बट डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पढ़ने का टाइम है तो पढ़ना ही है। कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, कोई चीज़ आपको लगता है कि यार मैम ये हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं इस चीज़ की वजह से, तो वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस करें, आई विल डिस्कस विद यू, आई विल टॉक टू यू एंड हेल्प यू हाउ टू फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है, किस तरीके से आप कर सकते हैं आराम से, जिससे आपका दिमाग भी सही डायरेक्शन में चले, ठीक है। और मोटिवेशनल चैनल मैंने स्टार्ट कर ही रखा है, तो आप मुझे अपने टॉपिक्स भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप मोटिवेशनल स्पीक मुझसे चाहते हैं, देन आई विल अपलोड दिस फॉर यू, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू कम फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना मोर एंड मोर एंड मोर, सो दैट जो भी बच्चे मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं वो भी मुझसे जुड़े, आप लोगों की हेल्प से ही ये हो सकता है। सो प्लीज़ शेयर दिस चैनल मोर एंड मोर, जो भी आप सोशल साइंस जो भी ग्रुप्स यूज़ करते हैं वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।